का सा बेबी भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है। बेबी में क्या बात है, मेहमान भी हैं इसमें। सभी कितने उत्साहित हैं, ये देखिए आप। प्लांटेशन जो है सारे सब में उमंग सी भर देता है। देखिए ये जोशन साहब हैं, आज जोशन साहब का बर्थडे है। जोशन साहब अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिस कॉलोनी। अच्छा अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिस कॉलोनी से लोरो आए थे क्या बात है। अच्छा, जोशन साहब आपके बर्थडे के दिन ये स्कूल में प्लांटेशन हुआ, कोई मैसेज? धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया मेरे को और बच्चों के साथ ये काम करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों में अवेयरनेस आई, नुक्कड़ नाटक वालों ने भी बहुत अच्छा डिस्प्ले किया अपने टैलेंट का, बहुत थैंक यू। पटनी जी कैसा लग रहा है? ये तो यूनिक ही एक्सपीरियंस है स्कूल्स में, देखे उसको देख के, मतलब मैं देखे ही जा रहा हूँ, मतलब कि एटलीस्ट जो खुशी हो रही है बच्चों में, मतलब उनको एक इनिशिएशन हुआ है कि पेड़ लगाना है, उसमें पानी डालना है, उसका क्या महत्व है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, जोशन सर का बर्थडे है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न टू सर। और गुरु पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा भी है, बड़े बहुत अच्छा मौका है। शालिनी जी यहाँ की प्रिंसिपल हैं, शालिनी जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी भारतीयम का, सर का और जोशन सर का, कि उन्होंने हमारे स्कूल को चूज़ किया। पर आज का इतना पावन दिन है गुरु पूर्णिमा का, जिसमें हम लोगों ने एक प्लांटेशन ड्राइव किया भारतीयम के साथ मिलकर, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे इस दिन के लिए कि मैम कब आएंगे सर, कब आएंगे सर, हम कब पहुँचे। तो आज आपकी टीम को देख कर, और सर ने, अनिल सर ने एक और इनिशिएटिव लिया, एक ऊपर नाटक भी किया, तो बच्चे आज बहुत एक्साइटेड हैं, पेरेंट्स इतने खुश हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये देखिए ये अशोक का पेड़ लगा है, खूबसूरत। ये पहले से ही बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर एक बैनियन ट्री है, वो देखिए कितना हरा भरा है ये जगह। ये सहजन का पौधा लगा है, आगे अमलतास लग रहा है, ये देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं पौधे, साथ में स्कूल के अटेंडेंट हैं, हर कोई खुश है। तो हम लोग MCD जमरूदपुर स्कूल में हैं, आज गुरु पूर्णिमा भी है और हमारे भारतीयम के बहुत एक्टिव मेंबर जोशन साहब का बर्थडे भी है। बच्चे, RWA के मेंबर्स, पेरेंट्स सभी मिलके वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे स्कूल के लिए कि आज इतना बड़ा प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है। ऐसे काम होते रहने चाहिए, इससे नेचर के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, वो भी इन्हें भी सीखने को मिलेगा कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, हमें नदियों को साफ रखना चाहिए। वो प्ले तो बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू। थैंक यू। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? हमको पौधों में पानी डालना है क्योंकि वो बड़ा और हमारा शहर बड़ा। बहुत अच्छे, थैंक यू। आप बेटा इको क्लब में हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में है। क्या करते हो इको क्लब में आप लोग? हमें पेड़ पौधा लगाना। ओके। और हमें अपना यमुना और सब नदियों उनका ख्याल रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सारे फोटो ले लें प्लीज। हाँ सर, इधर एक सर, वीडियो इधर ले लें। ये जोशन साहब का बर्थडे है आज, देखिए ये लगभग 8 फुट का अशोक है। ये सक्सेना जी हैं, RWA जंगपुरा के सेक्रेटरी। आओ भाई बच्चे, पेरेंट्स सब हाथ लगा लो, आइए आइए, हाथ लगाइए, मिट्टी डालिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बोलिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतर है, पेड़ लगा रहे हैं, अच्छा ये चीज बोलिए, बोलने का ये जी। आप बोलिए, ये जो आप लोग, क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मेरा नाम है मोहम्मद फहीम है जी। ये जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो स्कूल में, स्कूल को बहुत
सब्ज कर रहे हो ना, ग्रीन कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, उसके सेहत के लिए भी अच्छा है जी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। मेंटेन आप ही को करना है, लगाइए, आप लोग भी आ जाइए। जय, आपको कैसा लगा? रंग सारथी से जय राघव हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अभी नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया, बच्चों ने, पेरेंट्स ने, सबने उसको बहुत सराहा, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एकदम नई जनरेशन है और हम लोग मिलकर ही अपनी प्रकृति को वापस पुराने स्वरूप में ला सकते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था धर्मो रक्षति रक्षता, कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करता है, और आज की डेट में पर्यावरण को बचाने से बड़ा धर्म कोई नहीं, और हम अतः धर्मो रक्षति रक्षता, कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करता है, और आज की डेट में पर्यावरण को बचाने से बड़ा धर्म कोई नहीं, और हम अच्छा मैसेज हमने पास ऑन किया है, और आपके थ्रू बहुत अच्छे से ये प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, और आपने जो नरेला के अंदर जो बगीचा बनाया कूड़ा घर को, वो तो सर मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, मैं बड़ा, मुझे जब पता चला कि ये पहले कूड़ा घर था और आज ये इतना खूबसूरत हो चुका है, तो मैं मतलब एकदम से आनंद, एकदम अंदर एकदम बड़ी खुशी होती है ना, वो मुझे बड़ा वहाँ पर बहुत अच्छा फील हुआ। तो बस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहना चाहिए, और जो जनरेशन है हमारी वो सब ऐसे ही अवेयर रहे और अपनी चीज़ों को अच्छे से वापस से करते रहे। बस थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी? शर्माइए नहीं, बताइए। हाँ, स्कूल की अटेंडेंट हूँ, यहाँ से सब चीज़ की देखभाल मेरा काम है। बहुत बढ़िया। और सर मेरे को पौधे लगाने के लिए उसमें पानी डालना, उसकी मतलब देखभाल करना, सूखे पत्तों को हटाना, अच्छा लगता है। हाँ सर, चलिए थैंक यू। इनको संभालिएगा सभी पौधों को बच्चों के साथ मिलके। ये देखिए, ये जल सेवा भी हो रही है, ये और प्लांटेशन हो रहा है। ये इको क्लब के बच्चे, देखिए हरी टी शर्ट है इनकी, और ये एक खूबसूरत सा अमलतास यहाँ लग रहा है। ये देखिए पेरेंट्स और बच्चे मिलके लगा रहे हैं, ये छोटा सा बेबी भी एक पार्टिसिपेट कर रहा है। बेबी में क्या बात है, मेहमान भी हैं इसमें। सभी कितने उत्साहित हैं, ये देखिए आप, प्लांटेशन जो है सारे सब में उमंग सी भर देता है। देखिए ये जोशन साहब हैं, आज जोशन साहब का बर्थडे है। जोशन साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इस कॉलोनी। अच्छा अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इस कॉलोनी, तो लोरो आए थे क्या था? अच्छा, जोशन साहब आपके बर्थडे के दिन ये स्कूल में प्लांटेशन हुआ, कोई मैसेज? धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया मेरे को, बच्चों के साथ ये काम करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों में अवेयरनेस आई, नुक्कड़ नाटक वालों ने भी बहुत अच्छा डिस्प्ले किया हमने टैलेंट का, बहुत थैंक यू। पुटनी जी कैसा लग रहा है? ये तो यूनिक ही एक्सपीरियंस है, स्कूल्स में देखे, उसको देख के मतलब मैं देखे ही जा रहा हूँ, मतलब कि एटलीस्ट सारे बच्चे चुप रहो।
अपनी पृथ्वी गंदी ना हो, बहुत अच्छा जवाब, जोर से ताली बजाओ। देखो छोटा सा विषय है और उसने कितनी बड़ी बात कही कि हमारी पृथ्वी गंदी ना हो। और हम यहाँ क्यों आए हैं, रोहन जी ने अपना बर्थडे किसी 5-star होटल में ना बना के यहाँ क्यों मनाया है? बच्चे ध्यान से सुनो, देखो ये इतनी दूर से अपना बर्थडे मनाने सिर्फ इसलिए आए हैं कि पृथ्वी को बचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपनी जो हमारी पृथ्वी है, हवा है, जल है, सब प्रदूषित हो रहा है। तो आप सब बच्चों को इस नाटक के द्वारा, रामलीला प्रस्तुतिकरण के द्वारा, पौधारोपण के द्वारा सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, पृथ्वी संकट में है और पृथ्वी को कौन बचाएगा? तो जब भी कहीं पेड़ कट रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? तो देखो तो देखो बंदर भी पेड़ बचाने आया है, हनुमान जी का रूप। चलो जोर से बोल दो, जय बजरंग बली। पड़ गया राहुल, मार में आया क्या मुझे, खुद ही वो मर गए राहुल। जय श्री राम। ये प्रस्तुतिकरण ये आदरणीय श्री जिनके सामने बोला कि हनुमान जी की एक छोटी सी छवि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है। सीता स्वयंवर का एक दृश्य, वो भी आ गया यार ध्यान में, सीता स्वयंवर का दृश्य, रावण किस प्रकार उस धनुष को उठाने के लिए आता है तो आकाशवाणी होती है, शोक तेरे इकबाल की आलम में धूम है, जो तुझसे तरकशी करे शोक तालाब का शुम है, नूर बन के यह निकला उतला सर्वेश है, इनके आगे शीश में वो ये मारदालन कैच है। बच्चों ये आपने इतना अच्छा नाटक देखा, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, शांति शांति, सुन लो क्या कह रहे, बस 5 मिनट और। देखो आपने इतना अच्छा नाटक देखा और रामलीला का सीन देखा, लेकिन ये सब क्यों देखने को मिला?